दोस्तों अब हम इस वीडियो के माध्यम से या बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी राइट क्या जो की वजह से किस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म फेल होता है। तो देखिए, कई सारी गुड्स पब्लिक गुड्स होती है, कई सारी गुड्स प्राइवेट गुड्स होती है, कई सारी गुड्स क्लब गुड्स होती हैं। इसी तरीके से एक गुड्स होती है जिसे बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी राइट। कॉमन प्रॉपर्टी राइट का मतलब है ये वो गुड्स होती हैं जो नेचर में राइवल होती हैं लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। यानी कि जैसे पब्लिक गुड्स तो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, इसी तरीके से जो कॉमन गुड्स होती हैं, कॉमन प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं, इनके अंदर जो फीचर होता है वो होता है राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल। यानी कि राइवल का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति इसका कंजम्पशन करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए ये गुड्स अवेलेबल नहीं होती हैं, और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि बिना पेमेंट किए भी व्यक्ति इस गुड्स का कंजम्पशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, नदी के अंदर मछली है। अब मछली पर किसका अधिकार है? सभी का अधिकार है। यानी कि क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी राइट का मतलब है क्योंकि नदी की मछलियों पर सभी का अधिकार है, लेकिन अगर एक व्यक्ति नदी में से मछली निकाल लेता है तो किसी और व्यक्ति के लिए वो मछली अवेलेबल नहीं है। इस तरीके की गुड्स कॉमन प्रॉपर्टी राइट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर जो पेट्रोल है वो हालांकि सरकार उस पर अपना अधिकार कर लेती है लेकिन वो भी कॉमन प्रॉपर्टी राइट है, सभी का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज पर सभी का अधिकार हो लेकिन एक व्यक्ति कंजप्शन करता है लेकिन दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो ऐसी गुड्स को बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि यहां पे दिखा हुआ है कॉमन प्रॉपर्टी गुड्स दैट आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज टू विच एवरीवन हैज फ्री एक्सेस, यानी कि सभी के लिए वो फ्री अवेलेबल है। एनीवन कैन यूज दी प्रॉपर्टी विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। पार्क हो गया, जैसे मान लीजिए पार्क है, पार्क तो एग्जांपल गलत है लेकिन पार्क के अंदर मान लीजिए कोई फूल है, पब्लिक पार्क के अंदर कोई फ्लावर खिला हुआ है, वो किसका अधिकार है? सभी का अधिकार है। लेकिन अगर उस फ्लावर को कोई व्यक्ति तोड़ लेता है तो किसी और के लिए उस पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड नहीं है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड होता तो ये समस्या आती ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए मेरा पार्क है, मेरे घर में गमले में फूल खिला हुआ है, मेरा उस पर प्रॉपर्टी राइट है, तो कोई इसे तोड़ेगा ही नहीं। लेकिन ये समस्या तब आती है जब आप पब्लिक पार्क के अंदर कोई फूल खिल गया है तो उस पर तो सभी का अधिकार है, कोई भी उसे तोड़ सकता है। तो ये है, जैसे मान लीजिए मशीनें या पब्लिक रोड एंड हाईवे है, ये सारे के सारे, देखिए ये सारे एग्जाम्पल मुझे लग रहा है इसको चेंज करने की जरूरत है। आप रिवर मान के चलिएगा, ओशन मान के चलिएगा, फिश मान के चलिएगा, ये सारे के सारे एग्जांपल है प्रॉपर्टी राइट के। यानी कि बिना किसी पेमेंट की वजह से हर व्यक्ति इसका ओवर यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करता है, यानी कि वो जो कॉस्ट पे कर रहा होता है सोशल कॉस्ट उससे ज्यादा होती है, और एक तरीके से नेगेटिव एक्सटिलिटीज की तरह इसका डायग्राम बनेगा। यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी राइट की वजह से मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा होता है वो बहुत ही कम कर रहा होता है, निग्लिजेशन कर रहा होता है, जबकि सोसाइटी के लिए वो भी एक तरीके से कॉस्ट है। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए मार्जिनल बेनिफिट है, ये फिश निकालने से उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि फिश निकालने से, अब फिश निकालने के लिए उसको इक्विपमेंट चाहिए, मान लीजिए अगर उसके पास बोट है तो बोट चाहिए, उसके अंदर अगर पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है तो वो चाहिए, ये उसकी प्राइवेट कॉस्ट है। तो वो क्या करेगा, जितनी ज्यादा हो सके मछली उतना निकालने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो चाहता है किसी और के लिए मछली बचे ही नहीं। लेकिन सोसाइटी के लिए ये वाली कॉस्ट है, यानी कि एक तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल ये वाला हुआ और ये हमारा क्वांटिटी हुआ, जबकि ऑप्टिमम लेवल ये वाला है। यानी कि अगर इतनी क्वांटिटी वो निकालता मछली तो उसके लिए बेस्ट रहता, लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मछली फ्री है, अगर वो नहीं निकालेगा तो कोई और निकाल लेगा, इसलिए वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने की प्रयास करेगा। यानी कि एक तरीके से वो ओवर यूटिलाइजेशन करता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ट्रेजेडी ऑफ ओवर का मतलब क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन, यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज करने का प्रयास व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो कोई और प्रयास करेगा, कोई और निकाल लेगा। अब इस समस्या का समाधान ऐसा नहीं है, समाधान नहीं है, समाधान है केवल प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर देना। अगर मान लीजिए जैसे हमने केस थ्योरम में पढ़ा था, एक्सटिलिटीज की समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, दो लोग सिगरेट पीते हैं तो दो लोग सिगरेट इसलिए पी रहे हैं क्योंकि
कमरे की हवा पर दोनों का अधिकार है। तो अगर प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दिया जाए तो इस समस्या को हम केस थ्योरम हमने ऑलरेडी समझा रखी है, इसलिए हम बार बार आपको नहीं समझा रहे, लेकिन बेसिकली हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन नहीं है इसीलिए समस्या आ रही है। जैसे मान लीजिए पार्क के अंदर एक माली रख दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी है पूरे पार्क उसको 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 मेंटेन करने की, तो डेफिनेटली पब्लिक पार्क में भी कोई फूल को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी राइट की वजह से मार्केट सिस्टम फेल होता है, जिसको कि हम कॉमन प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कॉमन की जो प्रॉपर्टी राइट है वो डिफाइन कर दिया जाए, यानी कि बता दिया जाए कि मछलियाँ आप निकाल सकते हो लेकिन केवल इतनी ही मछलियाँ निकाल सकते हो, कोई व्यक्ति डिसाइड करने वाला मिल जाए जिससे कि ओवर यूटिलाइजेशन की समस्या को दूर किया जा सके। तो बच्चों ये प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी राइट। मैं उम्मीद